वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है टूल्स रिक्वायर टू क्रिएटिंग वेब पेज कल हमने फीचर्स ऑफ एस एम एल तक पढ़ा था आज हम टूल्स रिक्वायर टू क्रिएट वेब पेज यहाँ से पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है द फॉलोइंग टूल्स आर रिक्वायर टू क्रिएट एंड व्यू एस डी एम एल डॉक्यूमेंट्स टूल्स को किस तरह से इसमें एस में क्रिएट किया जाता है या इसमें किस तरह से एस के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से व्यू करते हैं देखते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है टैक्स एडिटर दीज प्रोग्राम्स दैट आर यूज़ टू क्रिएट ए कंपोज एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स नोट पैड एंड वॉड पैड आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्स एडिटर इसमें जो दो चीज़ें जो क्रिएट किया जाता है ठीक है अब टेक्स्ट एडिटर के लिए दो चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है नोट पैड और वाड पैड ठीक है ये इसका दो एग्जांपल है जिसमें हम इसके टेक्स्ट को लिखते हैं ठीक है थीके? या इसमें हम एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें बनाते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ दो तो चीज़ यूज़ करते हैं नोट पैड और वाड पैड ठीक है ये दो एग्ज़ाम्पल है एडिटर के वेब ब्राउज़र दिस इज़ यूज टू व्यू एंड डिसप्ले द एच डी एम एल डॉक्यूमेंट ये वेब प्लेजर जो है वो यूज़ होता है हमें एस डी एम एल डॉक्यूमेंट्स को डिसप्ले करने के लिए ठीक है या इसको व्यू करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लेजर मोजिला फेयरफॉक्स एंड ऑपिर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब जिससे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में मोज़िला फायरफॉक्स ओपेरा ये पांच एग्जांपल है जिससे हम वेब ब्राउज़र्स को वेब ब्राउज़र्स के एस टी एम डॉक्यूमेंट्स को व्यू करते हैं इन वेबसाइट्स पे ऑप्शनल वेब सर्वेवर्स थर्ड पॉइंट ऑप्शनल वेब सर्वेवर्स दिस इज़ रिक्वायरड ओनली इफ़ एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी स्टोर ये जो है वो किस चीज़ के लिए सिर्फ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है इसके लिए होता है सिर्फ टर्म्स ऑफ एस टी एम एल आल एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स कंटेन टेक्स एंड कंटेन दैट मेक द बॉडी ऑफ वेब पेजेस सारे एस डी एम एल के डॉक्यूमेंट्स का कुछ टैक्स होता है या उसका वेब पेजेस बॉडी बनाने के लिए कुछ कंटेनेट्स होता है एट ए टैग इज़ एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट दैट कंट्रोल फॉर्मेट ऑफ द वेब पेज और डॉक्यूमेंट जो टैग एस डी एम एल के कमेंट्स में होता है वो इन फॉर्मेट्स को या पेजेस को Uh, ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स के लिए कंट्रोल करने के लिए होता है एवरी टैग हैज एट्रीब्यूट आवर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हर एक टैग का जो है वो इम्पोर्टेंट uh, प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पे एट्रीब्यूट किया जाता है एस टी एम एल टैग टैग इज़ एन एलिमेंट विच इज इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले जो एस एसटीमल टैक जो है उसका एलिमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए होता है उनको डिस्प्ले करने के लिए वेब ब्राउज़र्स को डिस्प्ले करने के लिए हाउ व्हाट टू डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले करना है और हाउ टू डिसप्ले किस तरह से डिस्प्ले करना है डिस्प्ले क्या है और किसे डिस्प्ले करना है वी यूज़ वेरियस एटीब्यूट इन द टैक्स दैट कंटेन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एलिमेंट्स कलर्स एक्सेट्रा हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे टेक्स के यूज करते हैं उन इंफॉर्मेशन को जैसे कि फॉर्मेट पे कोई इफेक्ट डालना है या कोई एलिमेंट्स या कोई कलर्स ठीक है तो द एस टी टैक्स इंक्लूड ये जो टैक्स जो है वो इस तरह से होगा सेम्बॉल्स ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे क्या होगा सेम्बॉल्स होगा टैक्स कमेंट कमेंट टैग के कमेंट के साथ देयर आर टू काइंड ऑफ एस टी एम एल टैक्स एज फॉलोज यहाँ पर दो तरह के एस टी एम एल टैक्स हैं एक है कंटेनर टैक्स आल्सो कॉलिड नॉन एम पी टी टैक्स और कंटेनर टैग को हम नॉन एम पी टी टैक भी कहते हैं एक है एम पी टी टैक्स अब कंटेनर टैग क्या है और नॉन कंटेनर को हम नॉन एम कहते हैं ये क्या होता है उसके बारे में दिस टैक्स विच ब्रेकेट्स आवर कंटेनर टैक्स आवर अदर टैक्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंटेनर टैक्स ये वो टैक्स जो कि हम दो ब्रैकेट्स के साथ दो ब्रैकेट्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं कंटेनर ठीक है उनके लिए तो उसे हम क्या कहते हैं उन एलिमेंट्स को हम कंटेनर टैक्स कहते हैं दिस कंसेंस ऑफ टू टैक्स स्टार टैक इसमें दो टैक्स है एक होता है स्टार टैक्स जैसे कि एक ब्रेक स्टार्ट होता है उसके बाद बीच में जो भी आपको टैक्स लिखना है एक टैक जिससे एंड होता है स्लैश जैसे कि मान लो दो इन दो ब्रैकेट में इसने क्या लिखा है स्लैश यूज़ किया है बिफोर द कमेंट कमेंट से पहले एग्जांपल यहाँ पे देखो टाइटल ठीक है इसने ब्रैकेट्स में लिखा है स्टार्ट उसके बाद एस का जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टैक्स करना है वो उसके बाद एंड एंड टैग जो है वो क्या है स्लैश के साथ एंड हुआ है अब एम टैग क्या होता है एम टैग टी टैक दिस टैक्स टेन एलोन एंड डू नॉट कंटेनेंट टैक्स और एनी अदर टैक्स एलिमेंट्स इस टैक्स में कोई दूसरा जो एलिमेंट जो है वहाँ पे नहीं होता है एनी एन एम पी टी टैक फंक्शन इज टेन एलाउड एलिमेंट विद इन एस टी एम एल डॉकोमेंट दस ड नॉट कंटेन एनी ब्रेग और एनी थिंग एल्फ अब इसका एग्जाम्पल देखो ये जो है बी आर मतलब ब्रेक एक्सेट्रा ठीक है इसमें कॉमास वगैरह जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है अब एटीब्यूट सम्पेशल एट्यूट कुछ टैक्स जो है वो स्पेशल एट्यूट के साथ दिस दे प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन फॉर द टैक्स कंटेनेंट ये क्या करते हैं अलग अलग तरह के कंटेनेंट जो जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं टैक्स को ठीक है एट्रब्यूट्स आर रिटन विथ एंगुलर ब्रेक्स एट्रब्यूट जो है वो हम एंगुलर ब्रेक्स में के साथ लिखते हैं स्पेस इज़ प्रोवाइड विथ टू एट्यूट विच आर रिटन वन आफ्टर अनदर वहाँ पे एक स्पेस जो वो है वो प्रोवाइड करते हैं दो एट्रब्यूट में ठीक है विच आर रिटन और उसके बाद वहाँ पे क्या लिखते हैं कुछ चीज़ हम वहाँ पे लिखते हैं वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा एग्जांपल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड साइज कलर ब्लू हेयर साइज ठीक है इस तरह से आपने टैक्स जो है वो लिखना है तो वैल्यू एट्रीब्यूट में है वैल्यू मोस्ट ऑफ एटीब्यूट हैल्यू विज बी एक्सेप्टेड बट बाई ओनली दैट एटीब्यूट यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन करते हैं ठीक है जैसे कि फ्रंट साइज इसने वैल्यू कितना लिखा है फोर्टीन वैल्यू फोर्टीन इज़ द वैल्यू वैल्यू जो है फोरटीन जो है वैल्यू uh, है ऑफ द साइज एटिट्यूट ऑफ द फ्रंट टैक ठीक है इसके बाद नेस्टिंग टैक्स व्हेन यू यूज़ टैग विथ अदर टैक्स इन देन इट इज़ इट नेस्टिंग टैक्स जब आप यहाँ पे टैग जो है वो दूसरे टैक्स में यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं नेस्टिंग कहते हैं वन यू यूज़ टैग जब आप यूज टैग जो है वो यूज़ करते हैं विथ अदर टैक्स दूसरे टैक्स के साथ तो उसे हम नेस्टिंग टैक्स कहते हैं नेस्टिंग टैक्स आर दो टैक्स दैट एफेक्ट द कम्प्लीट पैराग्राफ ऑफ टैक्स नेस्टिंग टैक्स वो टैक्स है जो कि हम एक टैक्स जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर लिखते हैं इफेक्ट्स डाल के ठीक है प्रॉपरली जब आप एक पैराग्राफ जो है वहाँ पर लिखते हैं तो उसे हम नेस्टिंग टैग कहते हैं दे कैन हैव टैग विच फेक्ट ओनली इंडिविजुअल लेटर्स और वर्ड्स ये यहाँ पे वो टेक्स्ट जो कि हम एक इंडिविजुअल लेटर्स या वर्ड्स जो है वहाँ पे लिखते हैं ठीक है उसमें इफ़ेक्ट्स डाल के लिखते हैं एग्जाम्पल ये है ठीक है टाइटल एस डी एम एल डॉक्यूमेंट उसके बाद स्पेस बिटवीन टेक्स मेनी स्पेस कैन बी गिव बिटवीन टैक्स इन एस डी एम एल बहुत सारे स्पेस uh, मैनी स्पेस जो है वो टेक्स्ट के बीच में ठीक है स्पेस हम डालते हैं लिखते हैं ठीक है थीके? जब हम एम वर्ड जो है लिखने के बाद एक स्पेस डालते हैं ठीक है वी कैन यूज़ दिस स्पेस एट द टाइम ऑफ राइटिंग एंड एस टी एम एल डॉक्यूमेंट हम ये स्पेस भी यूज़ करते हैं जब हम एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ जब टाइप करते हैं या लिखते हैं ठीक है थीके?

ठीक है ये इन्वर्टेड कॉमास आर यूज़ टू अनक्लोज वैल्यू इन एसटीम किस चीज़ के लिए होता है अनक्लोज करने के लिए वैल्यू को इस्टी में द कॉमनली यूज क्योरली इन्वर्टेड कॉमास ठीक है आर नॉट यूज इन दिस केस कुछ चीज़ें केयर करने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्ट कॉमास की ज़रूरत नहीं होता है अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सेम्बॉल्स भी होता है ठीक है स्पेशल सेम्बल्स मतलब कि एस एम एल ये हम कल पढ़ेंगे स्पेशल सेम्बल्स और उसके से डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर जो है वो हम कल पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए यही तक खुदा हाफिज़